جمال الوجود بذكر الإله. Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. This is Binte Munir. Well, I hope you are all well. So, आज हम आपसे जो मैं इस वीडियो में बात करूँगी वो ये है हमारी कि एज अ डिज़ाइनर या आप एक एज अ आर्टिस्ट जो है ना अपनी ड्राइंग स्केचिंग वगैरह सीखते हैं, फैशन के लिए आते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेट लाइनिंग और शेडिंग की प्रैक्टिस करी जाती है. सबसे पहले तो लाइनिंग्स आती हैं, तो ये आप ये देख रहे हैं मेरी असाइनमेंट्स कि हमें ये इस तरह की लाइनिंग्स करवाई गई थी. डिफरेंट किस्म के ये लाइनिंग्स पेज थे जो हमें करवाए गए थे हमारी लाइंस को स्ट्रेट करने के लिए. इसके अलावा ये था, सबसे ज़्यादा जो हमें करवाया गया था वो ये पेज था जो हमें इसमें डेली असाइनमेंट के साथ हमें ये 5 पेजेस करने होते थे, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा इसमें ही सबसे बेसिक आपकी लाइंस जो है ना वो स्ट्रेट हो रही हैं, क्योंकि आपको पहले पेज के इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है. पेज के इस कॉर्नर से आपने स्टार्ट किया और बिल्कुल उसके करीब करीब से लेकर जाते हैं और ये सारी इस तरह से फुल इसी रॉ में आपने सारी करनी है. फिर पेज के इस डायरेक्शन से स्टार्ट करना है और इस डायरेक्शन से सारा ये इसी तरह आपके सीजे जाएगा. फिर उसके बाद आपने ये हॉरिजेंटल लाइंस लगानी है फुल पेज पे, फिर उसके बाद वर्टिकल लाइंस आएंगी ये सारी. तो इस तरह से इस पेज को ये फिल किया जाता है. और अच्छा, इसमें जो हम स्टूडेंट्स गलती करते हैं हम लोग ये चीज़ के देखें, जब स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया हमारी क्लास में तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आना शुरू हो गई और इतनी जब वो असाइनमेंट करके आए ना तो ऐसे ऐसे खुले. ये देखें अगर आप इस तरह से तेज़ तेज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइन सीधी नहीं होनी, आपके हाथ पर प्रैक्टिस नहीं आनी, क्योंकि आप ज़ोर ज़ोर से तेज़ चला रहे हैं. जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता हम तेज़ी की तरफ आते हैं. सबसे पहले तो आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलना है. वो किस तरह से करेंगे, जब आप अपने हाथ को बहुत ज़्यादा स्मूथ रखेंगे, पेंसिल आपकी अच्छी शार्प होनी चाहिए. और हाँ, इसके लिए हम लोग जो है ना 2B यूज़ करते हैं पेंसिल. ये हमारी जो है ना ड्राइंग के लिए सबसे पहले ये हमारी पूरा HB सीरीज़ और 2B सीरीज़ की ये पेंसिल बॉक्स मंगवाया जाता है जिसमें ये सारी होती हैं. और सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग जो है वो 2B से होती है क्योंकि ये सबसे लाइट पेंसिल होती है. अब आपने क्या करना होता है कि इसके लिए आपने बिल्कुल आहिस्ता से स्टार्ट करना है. वो जो तेज़ तेज़ एकदम आप स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें जाहिर सी बात है आपकी लाइन्स में गैप बहुत होगा और आप सीधी भी नहीं होंगी लाइन्स आपकी. ये जब आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाएंगे और बिल्कुल करीब करीब से लेके जाना है. इसी तरह जब आराम आराम से जब आप अपना यूज़ करेंगे पेंसिल को, तभी आपकी लाइंस जो है ना आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइंस सीधी होती जाएंगी. इसी तरह आपको इसी डायरेक्शन में ये फुल पेज इसी तरह करना है. उसके बाद आप दूसरे डायरेक्शन से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन से आप डिज़ाइनर हैं, आपको किसी भी डायरेक्शन से यूं लाइंस लेकर आनी होती हैं. तो हर डायरेक्शन से आपकी लाइंस प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप किसी एंगल से लाइंस लेकर आ रहे हैं तो यहाँ से आपकी सीधी नहीं है, दूसरे एंगल से आपकी सीधी हैं. तो हर एंगल से आपकी लाइंस का स्ट्रेट होना ज़रूरी है और इतनी स्ट्रेट होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको स्केल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि स्केल की परमिशन ही नहीं होती. आगे आगे जब हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं तो स्केल तो सख्ती से बिल्कुल मना हो जाता है, स्केल तो यूज़ ही नहीं करना. बस मैम ने जिसको स्केल यूज़ करते हुए देख लिया तो फिर बस उसकी शामत आ जाती है. तो स्केल बिल्कुल यूज़ करने की परमिशन ही नहीं होती. तो इसी तरह आपको अभी इस डायरेक्शन से भी ये फुल पेज कॉर्नर तक कंप्लीट होगा, उसके बाद हॉरिजेंटल लाइंस लगेंगी. यहाँ पे भी आपने आराम आराम से लेकर आना है, आराम आराम से बिल्कुल. जब आप आराम आराम से स्टार्ट करेंगे तभी आपकी लाइंस जो है ना वो ऐसा ऐसा सीधी होंगी और उसमें गैप भी नहीं आएगा. और ये भी अच्छा होता है कि आपको इसमें लाइंस नहीं उठानी होती, मतलब पेंसिल नहीं उठानी होती. पूरी लाइन विदाउट आपके जो पेंसिल है ना उसको उठाए बगैर आप उस पूरी लाइन को कंप्लीट करें और आपकी वो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए.
तो ये इसमें चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपने कभी भी हाथ तेज़ नहीं चलाना। ये बिल्कुल पेज के कॉर्नर्स, उसके एजेस के साथ आपने अपनी पहली लाइन लगानी होती है, और पेंसिल उठाए बगैर आपकी लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। और ये जितना आप स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे, आपकी असाइनमेंट्स उतनी नीट होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपकी स्पीड भी हो जाएगी। तो ये गाइस इसी तरह होता है, जिस तरह इस फोर डायरेक्शन से हम जब इसको पेज को फिल करते हैं तो हमारे पेज की शेप जो है, शक्ल जो है, वो कुछ इस तरह की आती है। सो एक बड़े मज़े का भी था, बहुत बोरिंग भी था, कभी कभी बार बार करते करते बंदा बोर भी हो जाता था कि बस यार लाइंस ही खींचते जा रहे हैं, लाइंस खींचते जा रहे हैं, और पांच पांच पेजेस, फिर दूसरी असाइनमेंट भी साथ साथ, तो बहुत होता है। वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखने में क्या है कि बस यार लाइन ही खींची जा रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम आगे स्केचिंग्स पे आते हैं ना, तो तब समझ आती है कि ये लाइंस की प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। अब इसके बाद आते हैं आपके शेडिंग। शेडिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स, कि आपने अगर लाइक 4B जो है वो थोड़ी डार्क होती है, तो आपने डार्क से लाइट की तरफ आना है। तो ये मैं अभी 4B यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल आपने बड़ी स्मूथली पकड़नी है, ये नहीं कि आप चाहे एजेस इसके पेंसिल के बिल्कुल टिप से पकड़ें या पीछे से पकड़ रहे हैं, लेकिन आपकी पेंसिल पकड़ने का अंदाज़ आपका बहुत स्मूथ होना चाहिए। हल्का सा ढीला सा पकड़ना है, और उसको करना भी इसी तरह हल्का हल्का है। ये देखिए इसी तरह आपके जब ये उस 4B से स्टार्ट होगी, और उसमें सबसे बड़ी बात कि जब आप शेडिंग कर रहे हैं तो ये आपकी शेडिंग के बीच में आपकी लाइंस नहीं होनी चाहिए। जब आप डार्क से लाइट टोन की तरफ आ रहे हैं तो आपके डार्क और लाइट टोन के अंदर कोई एक लाइन नहीं नजर आनी चाहिए, कि एक डिफरेंस फील हो कि भी ये देखें जो यहाँ तक तो डार्क किया है, उसके बाद एक लाइन आ रही है, और उसके बाद फिर आगे लाइट चल रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मैंने स्मूथली इसको हल्का हल्का किया है, लेकिन आप देखें गौर से इसको, तो मेरे जो है लाइट टोन और डार्क टोन के बीच में बिल्कुल भी कोई लाइन नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल मर्ज हुआ है। तो यही आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि आप जब डार्क से लाइटर टोन की तरफ आ रहे हैं तो आपके लाइटर टू लाइटर टोन्स में बीच में आपकी कोई लाइन्स नहीं नज़र आनी चाहिए। आप कलरिंग करते हैं, शेडिंग कर रहे हैं, ये आर्ट के सबसे बड़ी मेन पॉइंटिंग है कि आप कलरिंग भी, आपकी कलरिंग में लाइनिंग्स नहीं होनी चाहिए। इसी तरह शेडिंग में भी आपके लाइनिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब शेडिंग करते थे तो मैम बार बार यही बात कर रही होती थी कि उनके लाइनिंग्स होती थी बीच में, पता चल रहा होता था कि ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि भाई ये देखें डार्कर टोन के बाद लाइटर जब स्टार्ट हुआ है तो बीच में कोई लाइन नहीं नज़र आ रही, जबकि मैं स्टूडेंट के आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह से उनकी डार्कर से लाइटर टोन में एक वो नज़र आता है कि लाइनिंग लगी हुई है। ये देखें, ये देखें, अब आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा कि ये देखें यहाँ पे, ये बिल्कुल देखें जब डार्क से लाइटर टोन की तरफ आ रहे हैं तो मेरी बिल्कुल लाइंस नहीं है, बिल्कुल मर्ज हुआ हुआ कलर। ये इसमें देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें डार्कर टोन के बाद एक अलग से एक लाइन शो हो रही है, और उसके बाद लाइटर टोन आ रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये होना है आपका असल में कि किस तरह से आपके डार्कर टोन से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद लाइटर से लाइटर, लाइटर तो बिल्कुल लास्ट में जब आता है, और लाइटर टोन आपका ज़्यादा होता है, डार्कर टोन आपने ज़्यादा नहीं करनी होती। इसमें मैं आपको अपनी मिस्टेक भी दिखाती हूँ कि जब हमने फर्स्ट असाइनमेंट की थी तो इसी तरह देखिए मेरा डार्कर टोन इसमें ज़्यादा था और फिर लाइटर बहुत कम है, तो ये मेरी फिर फाइनल जो है ये असाइनमेंट सबमिट हुई थी, इसमें मैम ने सही कहा था कि ये बिल्कुल सही है। तो ये देख रहे हैं आप इसमें कि इसमें लाइटर बिल्कुल स्टार्ट से ये चीज़ है, और देखें बॉक्स के अंदर साइड पे भी, ये जो साइड पे हमारे किनारे हैं ना, ये वाली लाइंस में भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये जो है कहीं से कोई लाइनिंग्स नज़र नहीं आ रही, बल्कि सारा मर्ज हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा इसमें आपको, देख रहे हैं आप।
तो ये चीज़ होती है, और लाइटर टोन आपने शेडिंग में ज़्यादा रखना होता है। वेल आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी ये टिप्स जो मैंने आपको बताए बहुत बेनिफिटेड होंगे आपके लिए इंशाल्लाह। सो अगर आप भी डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो अपनी सबसे पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए कि आपकी लाइनिंग्स की स्ट्रेट करने के लिए भी आपने तहमुल मिजाजी के साथ करना है। और शेडिंग में हमने जो टिप सीखा कि वही डार्कर टोन ज़्यादा कम होता है और लाइटर टोन ज़्यादा किया जाता है, और दूसरा ये कि ये दोनों टोन्स जो आपके मर्ज हुए होने चाहिए, इसके अंदर लाइनिंग्स नहीं होनी चाहिए। वेल आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा ज़रूर, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वेल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।